हो रखा है, कोहरा भी लगा हुआ है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है अभी यहाँ पे। कितनी गर्मी हो रही तेरे को? थोड़ा ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। इस समय घर पे ही है और दादी के पाँव में दर्द हो रहा है, तो दादी घर में है। दाल तो आज के लिए हो जाएगी ये, अगर किसी ने ले लिए मुझसे लुंगड़े रास्ते में तो उनको दे दूंगा। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सौरभ, सौरभ बिश ब्लॉग दी भूमि उत्तराखंड की पहाड़ की हसीन सी वादी में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 8 बजे हो रही है और मॉर्निंग का समय है। गांव की महिलाएं सुबह 6 बजे ही यहां से खेत के लिए निकल गई थी, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और लोग यहां पे निराई गुड़ाई करने के लिए खेतों में जा चुके हैं। सुबह समय है और आपको पहले यहां का वेदर और सुंदर सा नज़ारा दिखा देता हूं मैं। कोहरा भी लगा हुआ, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है अभी यहां पे। सुबह से बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी अभी भी चालू है, तो कोहरा भी लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर सा। अब काफ़ी मोटी बारिश होना स्टार्ट हो गई है, अब धीरे धीरे मोटी बारिश। अभी तक तो थोड़ी सी बारिश बारिश आ रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, अब मोटी बारिश हो रही है। साथ ही मैं यहाँ छत पे पड़े हुए आम पड़े हुए हैं, चटनी बनाने के लिए घर ले जाने हैं, तो 2 आम पड़े हुए हैं। जैसे आम यहाँ पे पड़े रहते हैं गौशाला के छत पे, तो वो हम लोग चटनी बनाने के लिए घर ले जाते हैं। तो यहाँ छत पे पड़े हुए हैं आम, इन्हें चटनी बनाने के लिए घर ले जाएंगे। एक आम तो यहाँ पे है और एक आम यहाँ पे है, साथ ही में एक आम यहाँ भी है। तो यहाँ पे 3 आम पड़े हुए थे, पर ये आम लगे ऐसे रहे हैं जैसे पके हों, पर पके नहीं हैं, बट ये कच्चे आम हैं और इनकी चटनी बनाने के लिए घर ले जाएंगे और दिन के खाने के लिए इनकी चटनी वगैरह बनाएंगे। आम का साइज़ तो बड़ा है, पर इनके अंदर अभी भी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। गुठलियाँ अगर होती तो इनका अचार वगैरह बनाने के लिए हम ज़रूर यूज़ करते, पर अभी इनके अंदर की गुठलियाँ भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई हैं। जिस ये आम का साइज़ इतना बड़ा है, इससे काफ़ी बड़ा इसका साइज़ और हो जाता है, तब इसके हम अचार वगैरह बना सकते हैं। फिलहाल अभी ये सिर्फ चटनी बनाने के काम आएंगे। तो यहाँ दादी जी के कमरे में किट्टू सुबह सुबह उठ के रोटी वगैरह खा रही है। तो मैं आ चुका हूँ नीचे गौशाला के लिए और यहाँ पर वो वाली बकरी है जिसके पाँव में चोट लगी थी, तो ये बकरी है और इसका ये पिछला वाला पाँव में चोट लगी थी, अब बिल्कुल भी ये ठीक हो चुकी है। कुछ दिनों तक इस पर हमने पट्टी वगैरह दवाई वगैरह लगाई, अब ये ठीक हो चुकी है, तो बिल्कुल भी अब ये जंगल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अब कल से इसे बकरी को हम लोग जंगल ले जाएंगे। शाम के समय मैं फिर से आया हूँ जंगल साइड के लिए और दिन में मुझे वीडियो बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, क्योंकि समय काफ़ी बारिश आ रही थी घर के समय उस दिन के समय, तो बिल्कुल मुझे वीडियो बनाने का बाहर बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। मैं सोच रहा था बारिश बंद होगी वैसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, पर पूरे दिन भर आज बारिश रही। शाम के समय 4:30 हो रहा है, इस समय बारिश बंद है। मैं आया हूँ इस समय जंगल में बकरियों के साथ, तो इस समय मेरी ड्यूटी रही है बकरियों के साथ जंगल में, पर वो हरियाली है और काफ़ी नज़ारा है। और शाम के समय बकरियों के साथ बकरी चराने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि शाम के समय काफ़ी ठंडा मौसम रहता है और काफ़ी प्यारी प्यारी हवाएं चलती रहती हैं। अभी सूख गया था, मैंने आपको दिखाया था, पर अब पानी आना स्टार्ट हो गया है फिर से, क्योंकि लगातार 1-2 घंटे बारिश जरूर डेली हो रही है, तो इसकी वजह से फिर से पानी हमारे गाँव तक जाना स्टार्ट हो गया है। और बकरियों के लिए पहले थोड़ी दिक्कत रह रही थी, जब बारिश वगैरह नहीं थी तो उतना हरा घास था नहीं, अब चारों ओर को हरा हरा घास देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे बकरियों के लिए काफ़ी सारा हरा घास हो गया है। अब दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है बकरी को चराने की, कि कहाँ चराने ले जाएं। और पहाड़ों के देखिए सुंदर से नज़ारे आपको चारों हरे हरे दिखाई दे रहे होंगे, तो काफ़ी सुंदर से नज़ारों को आप इंजॉय करते रहें। मुझे वीडियो लगातार घर से ही बनाने पड़ रहे हैं, अगर मैं वीडियो बनाना बीच में बंद कर दूंगा तो मेरा चैनल डेड हो जाएगा। फिर मैं एक वीडियो तो मुझे डेली यूट्यूब पे अपलोड करनी होगी, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं होगा। अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा तो चैनल हो सकता है बंद भी हो सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा चैनल बंद हो, क्योंकि काफ़ी लोग उस पर जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर। फिर मैं यहाँ पर छाता भी लेके आया हूँ, हो सकता है कि शाम के समय फिर से बारिश आ सकती है, बारिश का पता नहीं रहता पहाड़ों में, कब बारिश आ जाए कब धूप लग जाए पता नहीं रहता, इसलिए मैं छाता वगैरह भी लेके आया हूँ। और 2 घंटे इस यहाँ पे बच्चों को चराएंगे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। और शाम के समय यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं और काफ़ी प्यारा मौसम भी हो रखा है।
तो मैं बकरियों को काफी ऊपर तक मैं लेके जाऊंगा, यहाँ पे जहाँ पे क्यार के गदेरे कहते हैं, तो वहाँ तक ले जानी है। और शाम के समय काफी अच्छा लगता है मुझे बकरियाँ वगैरह यहाँ पे घास खिलाने लेके आने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, साथ ही में काफी मजा आता है। दिन के समय जैसे धूप वगैरह हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पर शाम के समय ठंडा मौसम रहता है। अभी सारे लिमड़े मिल चुके हैं जो कि मैंने इस वाली थैली में रख दिए हैं, और सामने पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लग गया है, और थोड़े आसमान में फिर से काले बादल देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है फिर से बारिश थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो सकती है। अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो मुझे लगता है फिर से बारिश आने वाली है, तो कोशिश करता हूँ मैं बकरियों को नीचे अपने गाँव के गदेरे साइड लगाने की। फिलहाल तो आज के लिए हो जाएगी ये, अगर किसी ने ले लिए मुझसे लिमड़े रास्ते में तो उनको दे दूँगा। बचपन में आप लोगों ने ये वाला फल भी काफी बार खाया होगा, और इस फल का नाम जरूर बताइए, गढ़वाली होंगे वो जरूर इसका नाम बता देंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये कौन सा फल है। और घर पहुंचते ही बारिश आ गई है, और दादी जी यहाँ पे घर पे दीप पकी है पकाने के लिए। दादी कितनी गर्मी हो रही तेरे को? थोड़ा ठंड पड़ेगी। ठंड पड़ेगी, बारिश आ रही है थोड़ा? बारिश आ रही है, शाम को मेरे लिए चावल है। अच्छा, दाल है तो दाल दादी ने प्रेशर कुकर में रख दी है। वो तो मेरे नहीं है। अच्छा, ये बहू का है। तो ये यहाँ पे है, तो इसु भी आ चुकी है यहाँ पे, और इसु भी सो रखी थी, और इसु ने यहाँ पे खिलौने है और चिप्स वगैरह में मिले होंगे ये इनको। बारिश का भी आने लगी है थोड़ी वो, और तो अब मौसम सही हो गया पहाड़ों में, ठंड लग गई, अब सही मौसम हो गया। आया हूँ इस समय बगल वाले घर में, और यहाँ पे दाई जी बैठी है, और यहाँ पे छोटी सिस्टर है, तीनों की तीनों सिस्टर है, और ये बैठी हुई है यहाँ पे, तो एक पहले इनकी फोटो खींचेंगे हम। तो दादी लोगों ने लगा रखी है घर के खेत में, काफी सारी मिर्ची लगा रखी है, तो ये वाला खेत दादी लोगों का है, तो यहाँ पे काफी सारी मिर्ची लगा रखी है, और बारिश भी आ चुकी है और काफी हरी है, मिर्चे भी हो चुकी हैं। और शाम के समय दादी जी इस समय घर पे ही है, और दादी जी के पाँव में दर्द हो रहा है, तो दादी जी घर में हैं, बाकी रुचि और शीतल गए हैं खेतों में निराई गुड़ाई करने के लिए, तो दादी जी अभी घर में ही है, तो घर का काम करेगी दादी, खाना वाना बनाएगी अभी, तो दादी जी अभी गौशाला जाएगी भैंस के लिए घास लेके और घास डालने वहाँ पे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रख दें, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, नोटिफिकेशन कॉल को सेट करें, जो कि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलेंगे नई वीडियो में नए लोकेशन पे नए लोगों के साथ, तब तक के लिए चेक देखूंगी उत्तराखंड।